घंटा यहाँ से 9 किलोमीटर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने पिछला वीडियो प्ले किया था, मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये ग्लेशियर प्रोन एरिया है, आप सरप्राइज होंगे इस एरिया में। हालांकि छोटे ग्लेशियर्स आते हैं, बहुत ज्यादा ग्लेशियर नहीं आते हैं, पर छोटी गाड़ियों के लिए तो खतरनाक हो ही जाते हैं। बड़ी गाड़ियों को शायद इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। आपको पास देने के लिए रुकना ही पड़ता है, क्योंकि रोड की वाइडनिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और क्योंकि फॉरेस्ट पड़ता है तो इसकी वाइडनिंग इतनी ईजी है भी नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट का नुकसान होता है। और नुकसान के साथ फिर परमिशन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है। एक टनल के बीच में से निकल के जा रहे हैं आप। काफ़ी जो डेंजरस पॉइंट है, काफ़ी नैरो पॉइंट है, वहाँ पे PWD हिमाचल वालों ने क्रैश बैरियर्स भी लगाए हैं। स्पेशली अगर इस वीडियो को कोई पहाड़ी इलाके से बाहर देख रहा है, कोई प्लेन वाला देख रहा है, जिसने डिस्ट्रिक्ट शिमला की वैलीज को देखा हुआ नहीं है, या जो कंक्रीट के जंगलों में रहता है, हालांकि अब तो शिमला भी कंक्रीट का जंगल बन गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसे लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, मुझे लगता है जन्नत का नजारा देख रहे हैं आप। और अगर आप ट्रेवल व्लॉगिंग देखने के शौकीन हैं, एस्पेशली जैसे स्विट्जरलैंड के, ग्रीनलैंड के, कुछ कुछ इंग्लैंड के, और आपका जर्मनी का कुछ एरिया, नॉर्वे का कुछ एरिया, इनके जो अगर आप व्लॉग्स देखेंगे, जो खूबसूरती वहां की सीनरी की होती है, वही खूबसूरती यहाँ पे भी है, कोई कमी नहीं है। और थैंकफुली अब आप ये देख रहे होंगे कि इवन हर जगह ही आप नोट कर रहे होंगे कि हमारी कंट्री में रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ रोड बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस जो है टूरिज्म को डेवलप करने का। ये अभी आपने अगर देखा ना, ये सारा रेनी सीजन की जो है सारी मार है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता हूँ ताकि, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कच्चा रोड है, एक्चुअली इसकी वाइडनिंग हुई है। मैं थोड़ा सा मिस कर गया, मैं आपको ऊपर दिखाता, आप देखिए ऊपर की तरफ नजर जरूर रखिएगा, कितने खतरनाक चट्टाने हैं। पहाड़ जितने मर्जी डेवलप हो जाए, लाइफ तो जी डेंजरस पहाड़ों की रहनी ही रहनी है। You never know कि कब कौन सी जगह से पहाड़ी टूट के नीचे सड़क पे आ जाए, और खुदा न खास्ता अगर रोड पे गाड़ी हो या आदमी चल रहे हो तो भगवान ही मालिक है, खैर वो तो अदरवाइज भी है ही है।
फिर तो बिल्कुल ही ज्यादा भगवान मालिक है, कोई स्कोप नहीं है। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ट्रेवल पे, नारकंडा टू हाटू टेम्पल, मैं हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां उसमें तो आप देखेंगे कि उस जगह तो आपको रोड ही नहीं ये पता लगता कि आप कर्व काट रहे हैं, तो आप जाएंगे कहां, रोड दिखता नहीं है। आप उस व्लॉग को जरा थोड़ा, वो लंबा व्लॉग है, थोड़ा देखिएगा, अगर बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है और बहुत, और उसमें ट्रेवल जो है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। ये वाला रोड तो काफ़ी खुला है, उसमें तो बड़ी गाड़ियां तो उसमें बिल्कुल नहीं जा नहीं सकती है, एट द मोस्ट टेम्पो ट्रेवलर जो है। माइलस्टोन यहां से जो ये राइट साइड को रोड मुड़ा है, ये थानादार और कोटगढ़ हवेली के लिए। नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है पानी के लिए, इसको लिफ्ट कहां से कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। ये देखिए कितना खतरनाक रोड टूट गया हुआ यहां से नीचे। पहाड़ों में हिमाचल में ऐसा होता है कि जहाँ कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें जान की क्षति हो जाती है, वहां पे लोग बाग धार्मिक आस्था होने की वजह से मंदिर बना देते हैं, जैसा अभी आपने पीछे देखा होगा। तो होता क्या है कि उससे लोगों में थोड़ा सा, एक तो ये को थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई ये थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो थोड़ा आराम से चलते हैं।
कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। आपसे किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, ट्रैवल के ऊपर भी हो सकता है, किसी सोशल इशू पे भी हो सकता है, आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा इसके लिए।